बोलो बोलो। अरे आज की तो बात छोड़ो, मध्य में सन 76 में जब प्रत्यक्षता हुई, प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो कोई को मम्मा पापा कह के पुकारा गया क्या? है बच्चा पैदा होते ही अम्मा बाबा बोलने लगता है क्या? टाइम लगता है। और आत्मा जन्म लेते जब शरीर छोड़ते हैं क्यों होता है? जब शरीर छोड़ती है क्यों होता है? दुखी क्यों होता है? सब दुखी होते हैं ऐसा कोई जरूरी है? कोई तो बड़े आराम से शरीर छोड़ देते हैं। ज्यादा पाप करते हैं तो जरूर दुखी होंगे, अंत मते सुगते। और जीवन में पुण्य ज्यादा किए हैं तो दुखी क्यों होंगे? अंत समय में सारे जन्म का लोखा सामने आ जाता है। और मरते है, एक साथ मर जाती है, कोई घटना भी मर जाती है। हाँ जी, उसका ठीक है, है? उसका हाँ, लास्ट में तो एटम बम फटेगा, पूरा शहर एक साथ खत्म हो जाएगा। उनके पापों का लेखा जोखा समान रीति से अंत में आकर के बराबर हो गया। तो जिनका लेखा जोखा हर जन्म में बढ़ता घटता रहता है, अंतिम समय में आकर के जिनके संस्कार मिल जाते हैं वो फिर इकट्ठे शरीर छोड़ते हैं। कोई उनमें से ऐसा भी होता है जो बच भी जाता है। और क्लास होता है और वार्तालाप का क्लास होता है, इसका क्या शूटिंग होता है? क्यों सभाएं नहीं लगती है राजाओं की? है राजाओं की और सन्यासियों की, महात्माओं की सभाएं नहीं लगती हैं? हाँ तो वहां होता है। और बाबा आगे ने गीता माता और प्रतियोगिता रामबाब के उस समय उम्रदायी निकल गया है सर, छोटी क्या था? हाँ हाँ तो आए थे गया है, मुझे तो उस समय आई थी। कब आई थी? मम्मा हाँ सरस्वती बीच में आती है, बीच में जाती है, ना आदि में आती है ना अंत तक रहती है। बताया ना, ना आदि में सरस्वती होती है क्योंकि जगदम्बा पुत्री है, तो पुत्री माँ बाप के साथ आवेगी या बाद में आवेगी? है बाद में आवेगी, तो बाद में आई और बीच में ही चली गई। मूर्ति में क्या आदि में अच्छे अच्छे बच्चे थी, हाँ ड्रिल कराती थी, आज वो ज्ञान में आई नहीं। वो ड्रिल कौन कराती थी? मम्मा बाबा किसके लिए बोला? मम्मा बाबा किसके लिए बोला? मम्मा बाबा जो ड्रिल सीखने वाले थे उनके लिए बोला है। वही मम्मा बाबा
जो शरीर छोड़ गए 65-68 में। ये कोई लाभ है? वो पढ़ाई नहीं पढ़ते थे? आदि में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, अंत में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, और झांसी की रानी होती बाबा है, अंग्रेजों को झांसी की रानी है, अंग्रेजों को आकल पाती क्या, मतलब हटाती है, हटाती है हाँ, हटाती निकाल पाती क्या भारत से? नहीं, नाको चने चबा तो देती है, फाउंडेशन तो डाल देती है, और जब अपन याद करते बाबा जब नींद बहुत आती है, नहीं आने वाला तो क्या करते हैं? नींद नहीं आती है, क्लास में बैठते तो नींद ज्यादा आती है, क्या करना चाहिए? बता तो दिया कि सरसों का तेल ड्रापर में रखो, आधा बूंद लो और एक आंख में लगा दो, दूसरी आंख से दिखाई पड़ता रहेगा, फिर आधा पौना घंटे के बाद दोबारा नींद आए तो दूसरी आंख में भी लगा दो, तब तक पहली आंख सरसब्ज हो जाएगी, तो अंधे तो नहीं बनेंगे, नींद भी नहीं आएगी। और बाबा आदि में रात की क्लास होता था और सुबह लगा के है, रात की क्लास बहुत आगे मुझे क्या है हाँ? तो फिर आदि में क्लास कब होता था, सुबह या रात्रि? दोनों टाइम होता था, कभी होता था कभी नहीं होता था हाँ। और रात्रि के बॉम्बे स्पोर्ट गड़ाते हैं, रात्रि के लोग स्पोर्ट गड़ाते हैं ट्रेन में, ऐसा कुछ उनको पाप नहीं लगता है? विस्फोट करते हैं, विस्फोट करते हैं हाँ, और अंत में जो बड़े बड़े विस्फोट होंगे तो कितना पाप चढ़ेगा? नहीं वो तो जानबूझ के करते हैं भाई साहब, जानबूझ के नहीं करते, अभी तो जानबूझ के कर रहे हैं, बाद में जानबूझ के नहीं करेंगे तो फिर लक्ष्य देखा जाता है। विस्फोट काकोरी ट्रेन में भी किया गया था, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था अच्छा या खराब? खराब लक्ष्य था है? हाँ, देश को स्वतंत्र कराना लक्ष्य था है? अभी भी विनाश होगा तो विनाश कल्याणकारी होगा या कल्याणकारी होगा? कल्याणकारी होगा। लक्ष्य देखा जाता है, भाव देखा जाता है कर्म का। और दादा सूर्य की धूप बढ़ रही है तो क्या काम विकार काम तो है? सूर्य की गर्मी बहुत बढ़ गई है हाँ? तो काम विकार काम तो होने के लिए गर्मी बढ़ती है तो गर्म देशों में काम विकार ज्यादा होता है या ठंडे देशों में काम विकार ज्यादा होता है? क्रिश्चियंस में काम विकार ज्यादा होता है या अरब कंट्रीज में जहां गर्मी बहुत पड़ती है वहां काम विकार ज्यादा होता है? सूर्य की गर्मी से कनेक्टेड है। फिर एडवांस की बांदेली माता कब छूटेगी हैं? एडवांस की बांदेली माता हैं? कब छूटेगी? कब छूटेगी इस जिंदगी से? एडवांस सनाली इस गंदगी से कब छूटेगी? छोड़ो तो छूटे, पेड़ को पकड़ लिया हमने और कहे ये पेड़ हमको छूटे छोड़ नहीं रहा, कब छोड़ेगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन घर परिवार को संभालना, ये भी तो बाबा ने कहा है, घर परिवार को संभालना, ये भी तो हाँ, तो किसने मना किया ना संभालो? नहीं छोड़ते तो माने जब तक हम काम विकार को पकड़े रहेंगे तो काम विकार के पकड़े रहने से घर परिवार संभलता है। सत्युग में काम विकार नहीं होता? नहीं, नहीं होता है? तो क्या होता है? किसी इंद्रिय से ही होता है ना, वहां तो सुखी रहते हैं।
अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई बात की अति होती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। और अंतिम समय नजदीक आ रहा है ना बाबा, फिर हमारा पद क्या होगा? अंतिम समय नजदीक आने से आ गया है ना, है? आ गया हम अंतिम समय। हाँ, माताओं का पद क्या होगा? माताओं का और पिताओं का क्यों भूल गए? जो छुट्टी नहीं है, है? काम विकार से छुट्टी नहीं है, उनका पद क्या होगा? माताओं का काम विकार ज्यादा होता है पुरुषों में होता है? पुरुषों में होता है ना, है? लेकिन पति नहीं छोड़ा है ना, पत्नी पति नहीं छोड़ा है तो हमारी आत्मा को कौन रोकेगा? मन को आत्मा कहा जाता है, मन को कोई पकड़ पाएगा? हम जाते हैं ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी दिखावा दुनिया वालों के सामने तो वही होता है। हमें दुनिया को दिखावा करना है या अपना कल्याण करना है? तो अपना कल्याण हमारा हो गया, दुनिया देखे या बाढ़ में जाए। दुनिया को अगर आंखें नहीं है देखने की तो उसमें हम क्या करें? हम अपनी सेफ्टी अगर करना चाहें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर बाबा हमारा पद ऊंचा करेंगे? हैं? पद ऊंचा मिलेगा फिर भी? अरे जब हम मन को कंट्रोल कर लेंगे तो पद ऊंचा नहीं मिलेगा। 11 इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रिय कौन सी है? मन। मन को कंट्रोल कर लिया तो दूसरी इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी। पूरा मन कंट्रोल हो जाए तो बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता। हाँ जी, धंधे दौरी से ही फुर्सत मिलती, दो बार कौन लगाए? बड़े आदमी होते हैं तो दो बार स्नान करते हैं। है बाबा, जब कोई भाई बाबा की आज पे अमृत वाला एक्सीडेंट करता उसको निमित्त भी दे। अच्छा, जैसे राजा राम, ये राजा राम का अनुभव कहता है बाबा में तो सामने हाँ बिल्कुल। एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट का मतलब आपको नहीं समझाया जा सकता। जो गुड़ खाए हो, गुड़ देखे, गुड़ कोई स्वाद जाने। साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार, इसमें क्या अंतर होता है? उसका नाम ही है आत्म साक्षात्कार। माने किसका साक्षात्कार? आत्मा का साक्षात्कार। बिंदी का साक्षात्कार हो गया तो कहेंगे आत्म साक्षात्कार, लेकिन समझने वाला समझ तो कुछ भी नहीं सकेगा। और एक होता है साक्षात्कार, स्वर्ग का साक्षात्कार, विष्णु का साक्षात्कार, विनाश का साक्षात्कार। तो ब्रह्मा बाबा को तो हुए, तो क्या अधूरा ज्ञान हुआ? साक्षात्कार में तो अधूरा ही ज्ञान होता है। मान लो आत्म साक्षात्कार हो गया बिंदी का, तो पूरा ज्ञान कहेंगे क्या? हो तो ज्ञान तो पूरा नहीं हुआ है। मुसलमान लोग गोल टोपी पहनते हैं, टोपी टोपी जो होती है गोल पहनते हैं, क्या क्या कैप बोल रही थी क्या? हाँ, और हिंदू में ऐसे लग रही थी। हाँ, उससे कुछ भी इसका राज है क्या? उनकी उनकी जो टोपी होती है ना, इज्जत, उनकी जो इज्जत होती है ना, वो गोल 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 नियमों वाली होती है। हाँ, और जो तुम्हारी इज्जत होती है
वो लंबी लंबी होती है, नुकीली होती है, है स्त्री को इज्जत कहा जाता है। जो घर परिवार में बीवियां परिवार की हैं, कन्याएं परिवार की हैं, बहनें परिवार की हैं, वो भारतवर्ष में क्या मानी जाती हैं? ये हमारी इज्जत है, तो होती है नुकीली। और विदेशों में बोल, अरे इधर नहीं सही तो उधर सही, उधर न सही थी तीसरी जगह सही, तीसरी जगह सही, चौथी जगह सही, चारों दिशाओं में घूम सकती है। और क्या लिखा है, काम का आश्रय स्थान इंद्रिय होता है, वहां से कर्म की प्रवृत्ति होती है। इंद्रिय श्रेष्ठ रहते हैं ऐसे कहते हैं, क्या मतलब? इंद्रिय हमेशा श्रेष्ठ रहते हैं क्या? हैं? हमेशा रहते हैं इंद्रिय हमेशा कहां श्रेष्ठ रहते हैं? सत्युग में कहेंगे, त्रेता में कहेंगे इंद्रिय से श्रेष्ठ रहते हैं। लेकिन मन से श्रेष्ठ हैं, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से ज्यादा श्रेष्ठ काम होता है, बुद्धि से श्रेष्ठ काम होता है, बुद्धि से भ्रष्ट काम नहीं होता है। बुद्धि से ज्यादा श्रेष्ठ काम होता है, वो कहाँ छुपा रहता है? क्या लिखा है, किसने दिया, वापस कर दो, लो। और गरीब का एक रुपया साहूकार का हजार रुपया, अरे जिसके पास हजार रुपया देने वाला है और जो अपने पास से एक रुपया ही देने वाला है तो बराबर तब बनेगा जब दोनों के पास उसका दस गुना हो, हजार देने वाले के पास दस हजार हो और एक रुपया देने वाले के पास दस रुपया हो, दोनों ने अपना नौवां हिस्सा दे दिया तो बराबर बनेगा या कम ज्यादा बनेगा? बराबर बनेगा। हैं? हिंदू धर्म वाले प्रचार प्रसार नहीं करते हैं? हिंदू धर्म वाले भी करते हैं, हिंदू धर्म वाले भी करते हैं प्रचार प्रसार, लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं करते हैं। अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों की ग्लानी नहीं करते हैं। दूसरों का खंडन नहीं करते। शंकराचार्य ने ये प्रवृत्ति शुरू कर दी कि और सब धर्मों का खंडन कर दिया, सारे भारतवर्ष में चार मठों की स्थापना करके और सनातन धर्म का झंडा फहरा दिया। शंकराचार्य हैं शंकर की औलाद,
तो मूल खंडन करने वाला तो शंकर है, जो सब धर्मों का खंडन कर देता है, शिव के धर्म का मंडन करता है। शिव ने जो धर्म स्थापन किया सनातन धर्म, उसकी स्थापना में सहयोगी है और सब धर्मों का खंडनात्मक कार्य होता है। और जैसे तुम्हारे यहाँ कहते हैं शिव और शंकर, तो कोई कहता है कि हम शिव को छोड़ देंगे शंकर को छोड़ देंगे, या शिव को ले लेंगे शंकर को छोड़ देंगे? ऐसे ही उनमें कहा जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह ज्यादा ऊंचा है, लेकिन अकबर के बगैर अल्लाह का काम भी नहीं होता है। है वो भी फूल, अकबर भी, हक के फूलों में श्रेष्ठ फूल है, लेकिन उसके द्वारा भगवान सारा कार्य संपन्न करते हैं। तो अकबर उनका ऐसे हो गया जैसे हिंदुओं का प्रजापिता है। प्रजापिता भी पतित, अल्लाह है एवर प्योर, लेकिन दोनों के बगैर काम चलेगा क्या? नहीं चल सकता। ऐसे ही मुसलमानों में अल्लाह है एवर प्योर को मानते हैं और अकबर फूलों में अक का फूल मानते हैं। कहेंगे अंधों में कान है राजा, परंतु उसके बगैर भी उनका काम नहीं चल सकता। तो दोनों ही साथ साथ नाम लेते हैं। और कौन जो अपने धर्म से नहीं होगी उसको कातिल बोलते हैं, और जो कातिल को मारेगा मुझे ये को मारेगा ज्यादा को मारेगा तो उसको अल्लाह ताला को याद करके जन्नत की जगह मिलेगी बोलते हैं। इसका भी अच्छा है काफिर इसलिए कहते हैं कि कहां कहां फिरते रहते हैं, कौन कौन से धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो है काफिर। तो ये तो सच्ची बात है, झूठी बात तो नहीं है। जो अपने धर्म के पक्के रहते हैं उनको थोड़े ही पक्का काफिर कहेंगे। अंतिम समय में जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सारे धर्म की आत्माएं बाप को पिता मानेंगी, तब भगवान को सभी देखेंगे, लेकिन जो अंधे लोग होंगे वो कैसे देखेंगे? उनकी इच्छा भगवान को देखने की कैसे पूरी होगी? क्या सिर्फ आंखें ही अनुभव करती हैं देखने और समझने का, और दूसरी इंद्रियां समझने और देखने का अनुभव नहीं करती? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें तो बड़ी बड़ी हैं, भगवान को देख भी लेते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए तो कहते हैं हमें बाबा याद ही नहीं आता। हमें जल्दी मिलाओ। तो उनकी आंखें बढ़िया या उन अंधों की आंखें बढ़िया जो एक बार हाथ से स्पर्श कर लेते हैं और वो स्पर्श को कभी भूल ही नहीं पाते? उन्हें बताया ना जाए, उनके सामने भगवान को ले जाया जाए, बताओ ये कौन है, तो स्पर्श करके ही बता देंगे क्या ये हमारा बाबा है। तो ज्यादा बड़ी आंख किसकी हुई? अंधों की आंख बड़ी हो गई। कहेंगे उनकी तीसरी आंख बड़ी हो गई, तो और क्या चाहिए?
है बाबा कहाँ थे उस समय के बाबा थे इसके बाद में क्या हुआ क्या गद्दी हो गई कौन कहाँ थे कौन कहाँ थे ब्रह्मावा तो पहले ही भाग गए कराची में जब झगड़ा शुरू हुआ तो डरपोक आदमी थे विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे तो डरपोक हुए या दमदार हुए डरपोक हो गए ऐसे ही जब झगड़ा शुरू हुआ प्योरिटी की बात को लेकर के तो वो तो अपना डब्बा डोली संभाला और एकदम कराची में जाके चुपचाप अपने एकांत में समंदर के किनारे बंगले में बैठ गए किसी को बताया भी नहीं झगड़े टंटे में कौन पड़े फिर सारा बोझ किसके ऊपर आ गया राम वाली आत्मा के ऊपर आ गया है हाँ अकेले चले गए बाद में जाकर के ये 47 में कन्या माताएं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सब कन्या माताओं को स्वतंत्रता मिल गई और वहां जाके एक एक करके पहुंच गई मंडली बना के है जो बच्चे माता ज्ञान में रहते हैं ज्यादा ज्ञान समझता नहीं है ज्यादा ज्ञान समझता नहीं जो ज्ञान में चलते हैं उनको ज्ञान ज्यादा ज्ञान समझता नहीं अरे क्लास में एक जैसे होते हैं सब नंबरवार होते हैं कोई बुद्धू होते हैं कोई होशियार भी होते हैं हाँ 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 फायदा अरे बुद्धू होंगे उनको बुद्धू होंगे वो पढ़ाई ज्यादा पढ़ेंगे हाँ कम पढ़ेंगे तो फायदा कहाँ से होगा रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो बाबा की ये नियम है कि बच्चा जो है रेगुलर होता है पंक्चुअल होता है तो टीचर उस बच्चे से खुश रहता है भले बुद्धू है तो भी टीचर के उसके ऊपर रहम रहता है कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा तो टीचर की दुआएं काम कर जाती हैं बहुत सी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान का एक शब्द भी बैठता नहीं है याद में सिर्फ बाबा का चेहरा याद रहता है और कुछ भी याद नहीं रहता किसी को समझाए भी नहीं सकती लेकिन बाबा ने बोला है जो अंत में याद में तीखे होंगे वो आत्माएं चारों सब्जेक्ट में तीखी चली जाएंगी लगन बहुत बड़ी चीज है हाँ। जो ताजमहल है वहाँ पर शिव मंदिर था उसको तोड़ के फिर ताजमहल बना दिया था उसका हाँ जी तो अच्छा चैतन्य ताजमहल है मान लो जो चैतन्य ताजमहल है जिम्मेवारियों के ताज का किला वो पहले चैतन्य था देवी देवता धर्म का था या दूसरे धर्म का था देवी देवता धर्म का था ऐसे ही वहां भी चेंज हो जाता है जब देवी देवता सनातन धर्म में था तो सारे विश्व का मालिक था वो ही कलयुग में वो आत्मा आती है तो कोई धर्म का जब फाउंडेशन पड़ता है राजधानी स्थापन होती है तो पहला राजा बन करके राजधानी स्थापन करता है जो स्थापना करता है वो विनाश भी करता है पालना भी करता है कि नहीं है करता है तो वही आत्मा शाहजहां बन जाएगी तो शाहजहां बनेगी तो उसका जो
शाह माने बादशाह और जहां माने सारे विश्व का बादशाह बड़े में बड़ा, तो उसका स्नेह किससे होगा है? मुमताज से ही होगा। पब्लिक ऐसा गृह मंत्री भारत का न्यूज वाले हैं, न्यूज वाले होते हैं, बैठक चलती रहती है, माना न्यूज वालों को सबको बुलाता है गृह मंत्री, माना पब्लिक इतनी है, उसको उसको भी जूता आने को छुपती नहीं, माना है जूता मार के देता है। हाँ पब्लिक कितना ये कुछ भी अपना गृह मंत्री होने के बाद भी उसको कुछ समझती है, तो क्या हुआ? वो तो गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी है, गोली मार दी वो तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसी अवज्ञा कर दे, ऐसी अपमानना कर दे कि बाद में उसे जिंदा भी रहना पड़े, पत्थर मारा नाक टूट गई, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी, तो कितने बेइज्जती हो गई। उसने फिर भी उसने गृह मंत्री ने उससे जिसने न्यूज वाले ने जूता मार के देखा था, फिर भी गृह मंत्री ने माफी मांगी उससे, माना है सर कुछ लव से निकल गया। हाँ हाँ अखबार वालों से तो डरेंगे ना, वो तो अखबार वाले धुआंधार छापने लग पड़ेंगे, सारी गलतियां जानते हैं, सारी पेचीदा बातें जानते हैं, सारी लूपोल्स जानते हैं, और सारी छाप देंगे तो अगली बार मंत्री बन पाएंगे? तो माफी मांगो। राम राज्य में गद्दियां कैसी होती हैं? बात तो सुख ही सुख होता है, क्या गद्दी में ही सुख होता है क्या? डनलप की गद्दी रखी हुई हो भाई उसी में सुख है? अरे ये तो कहावत है, गद्दी कौन सी गद्दी मिली माने कौन सा पद मिला, गद्दी माने पद, लक्ष्मी नारायण का पद मिला तो लक्ष्मी नारायण तो सारे राज्य का मालिक है ना, और ऐसा वैसा मालिक नहीं, वहां तो यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे राज्य का मालिक, वो गद्दी है वो पद है, बाकी लक्ष्मी नारायण तो खड़े हुए दिखाए जाते हैं, उनको कोई गद्दी होती है क्या? झाड़ के चित्र में गद्दी देखी नहीं, राम सीता की तो फिर भी गद्दी होती है त्रेता में, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई गद्दी नहीं होती, वो पद है। और है है युग के बाद जब होता है क्या होता है? त्रेता के बाद, त्रेता के बाद अर्धविनाश होता है। हाँ उस समय उनकी मस्तिष्कता वाली कैसी होती है? उनकी उसमें नंबर वार देवताएं हैं ना, एक ग्रेड के हैं कि सभी ग्रेड के हैं? जो नीची ग्रेड के हैं उनको विनाश की चपेट में आ जाएंगे, जो ऊंची ग्रेड वाले हैं वो उतना विनाश की चपेट में नहीं आवेंगे। जैसे राजा विक्रमादित्य का बाप है, बाप तो ज्यादा उम्र का होगा या कम उम्र का होगा, तो वो उतनी चपेट में नहीं आवेगा, सुरक्षित बना रहेगा, बच्चे को रास्ता दिखावेगा, बताएगा किसी दुख से निवृत्ति का उपाय है, शिवलिंग की पूजा करो, तो मंत्री का भी काम करेगा। और हाँ अब्दुल बोला था प्रजापिता, जोर से बोलो, अकबर को प्रजापिता बोला ना, प्रजापिता अकबर अल्लाह हू अकबर बोलते हैं ना। अरे हर धर्म का अपना प्रजापिता होता है या नहीं होता है? है हर धर्म का अपना प्रजापिता होता है, तो उनका भी अपना प्रजापिता होगा।
और हर धर्म अल्लाह को मानता है। हाँ हाँ अल्लाह अकबर बीरबल की कहानी, वो अकबर यहाँ हिस्ट्री का है जो 400-500 साल पहले हुआ, वो अकबर नहीं। हाँ बाबा, जब हम पाठशाला जाते हैं तो कोई बाहर की आत्मा हमसे प्रश्न पूछती है कि तुम जिसको बाबा कहते हो उसके शरीर में ईश्वर है, इसका क्या प्रूफ है? ये बात हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बता दो, उसकी लांक लंबी होती है, एक कान बड़ा होता है, एक कान छोटा होता है, अरे ये सब बताने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगा? तुम्हें समझने के लिए टाइम लगा कि नहीं लगा? तो उसको भी यही रास्ता बताओ कि ये बातें समझने के लिए टाइम चाहिए। ईश्वर इन आंखों से नहीं देखा जाता जो तुमको दिखा दें कि ये ईश्वर है, उसको तो समझा जाता है, और समझने के लिए आपको टाइम देना पड़े। आप हमारे आश्रम में आइए, हम आपको समझावेंगे कि ईश्वर कहाँ है और कौन है। और सीधा सीधा तुम उनको बताते ही क्यों हो? हमारे बाबा में भगवान आता है। ऐसे ढोल पीटने से कोई मान लेगा क्या? बाबा हाँ किताबाट शाला चलाने वालों को जो जिम्मेवारी दी है, उन्हीं की जो जिम्मेदारी वो जिम्मेवारी किताबाट चलाने की जो जिम्मेवारी दी है वो उतनी निभाते नहीं है। हाँ तो कम हो जाता है। उन्होंने वो जिम्मेवारी स्वेच्छा से ली है या जबरदस्ती उनको दी गई है? हैं? जो गीता पाठशाला चलाने की जिम्मेवारी है वो उनको स्वेच्छा से मिली है या किसी ने थोप दी है? अरे बोलो ना। हैं? स्वेच्छा से नहीं, अगर सोई से ली है तो क्या फर्क बनेगा? स्वेच्छा से ली है उसके बावजूद भी मगरूरी करते हैं, इसका मतलब उन्हें मान मर्तबा चाहने की ज्यादा इच्छा है और ईश्वरीय सेवा करने की इच्छा नहीं है, वो मुफ्त में लेना चाहते हैं। तो उनको प्राप्ति क्या होगी, समझ सकते हैं? नौकरी में जैसे जैसे ऊंचा पद बनता जाता है तो 13-14 घंटे पूरी तरह मन बुद्धि से काम में उलझ जाते हैं लगाव पूर्वक। अच्छा काम करके दिखाते हैं, अपने ऑफिसर्स को खुश कर लेते हैं तो तरक्की होती रहती है। तो ऐसा करने वाले पुरुषार्थ कैसे करें, बताओ? उनके मन में दुनियावी उपलब्धि की इच्छा है या अलौकिक दुनिया की इच्छा है? दुनियावी उपलब्धि की इच्छा है तो दुनियावी उपलब्धि में ही आगे बढ़ेंगे ना, पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ जाएगा? पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए दो रोटी चाहिए, न कोई पद है, न कोई मान, न कोई मर्तबा। एक पाव आटा, थोड़ा सा नमक डालो और माड़ो और खाओ और मस्ती से याद करो, मस्ती से खूब याद आएगी, खूब सेवा करो ईश्वरी। अब अंदर से इच्छा भरी हुई है दुनिया में मान मर्तबा हम लें, हमारी ऊंची गद्दी बने, सब आकर के हमारे पांव छुए,
हमारा भी काम करवा दो, हमारा भी काम करवा दो, तो मान मर्तबा लेंगे दुनिया भी, तो उस दुनिया का मान मर्तबा घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, पुरुषार्थ हो ही नहीं पाएगा। संगम युग में ज्ञान में आने के बाद युगल जोड़ी पूरा जीवन साथ साथ पुरुषार्थ करते हैं, तो उसका ब्रॉड ड्रामा में क्या शूटिंग होता है? जो साथ साथ पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ में काम विकार का साथ साथ में क्या हिसाब किताब बनता है? अगर काम विकार पर जीत पहन लेते हैं तो क्या हिसाब बनेगा, और जीत नहीं पहनते हैं हिलक जाते हैं एक दूसरे में तो क्या पुरुषार्थ बनता है? बेहद ड्रामा में है हाँ, जैसे प्रजापिता है, जगदम्बा है, इस आखिरी जन्म दोनों की जोड़ी है, वो जोड़ी जीवन भर पुरुषार्थ करती है या नहीं करती है? पुरुषार्थ तो करती है, भले तौर तरीका अलग अलग हो जाते हैं, तो वो तौर तरीका जितना श्रीमत के अनुकूल है, अनुकूल होने के कारण और अनुकूल सबका एक जैसा रहता है या अंतर पड़ता है? हैं? अंतर जरूर पड़ता है, तो अंतर पड़ने के कारण अंत में जो आखिरी रिजल्ट निकलता है उसमें समान जोड़ी जिनकी होगी वो ही 21 जन्म जोड़ी बनेगी। पुरुषार्थ करते हुए भी सारा जीवन अगर समान रूप से श्रीमत पर नहीं चल पाए तो जोड़ी जरूर क्या होगा, बदल जाएगी। और बाबा ने यह भी कह दिया जो यहां की जोड़ियां हैं वो सब वहां सब बदल जाएंगी। तो बताया कि संगम युग में ज्ञान में आने के बाद जो जुगल जोड़ी पूरा जीवन पुरुषार्थ करते हैं, कितना भी पुरुषार्थ करें अंतिम जीवन में अंतिम जन्म में तमो प्रधान संग मिलता है या सतो प्रधान संग मिलता है? सबको तमो प्रधान संग मिलता है पूर्व जन्मों के मुकाबले, तो समान पुरुषार्थी बन पाएंगे? बन ही नहीं सकते। समान पुरुषार्थी नहीं बनेंगे तो जरूर द्वापर युग से जोड़ी बदल जाएगी। अब ये दूसरी बात हो सकती है, किसी की एक जोड़ी बने, किसी की दो बने, किसी की चार बने, या जन्म जन्मांतर अदला बदली होती रहे। सबका हिसाब अपना अपना अलग अलग है, एक जोड़ी की करतूत न मिले दूसरे से। बाबा मुरली में बोला है आगे चलकर इस बाबा का चेहरा मोहरा पूरा चेंज हो जाएगा, तुम बच्चे पहचान भी नहीं सकोगे। इसका क्या अर्थ होता है?
ये जो लिखा है इसी तरह बोला है या कुछ अंतर से बोला है? अभी बीके वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो जाके, जो 69 से 76 तक पुरुषार्थ करने वाले हैं उन ब्रह्मा कुमारों से, जब से लेकर के उन्होंने अब तक देख ही नहीं पाया है, तो वो पहचानेंगे? पहचान ही नहीं सकेंगे। कहां उस समय का टिर्रिया शरीर, पतला पितला, आंखें अंदर धसी हुई, और कहां अभी का अंतर, ब्राड अंतर हो जाता है। और वैसे भी दुनिया में चेहरा मोहरा 5 साल के बाद बदलता रहता है या वही का वही रहता है? बदलता रहता है। आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ में थोड़ा और इजाफा हो जाता है। और भूत प्रेत की प्रवेशता होती है, जो तांत्रिक प्रक्रिया का आधार दिया जाता है, तो वो इफेक्टिव होती है या है? उसका इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। तांत्रिक प्रक्रियाओं का इफेक्ट नहीं होता है? लाल किताब में आने की होती है। अगर इफेक्ट नहीं होता है तो लोग तांत्रिकों के पास जाते क्यों हैं? अगर इफेक्ट नहीं होगा तो लोग क्यों जाएंगे उनके पास? हाँ, कोई का कम और कोई का ज्यादा, ज्यादा होशियार हो जाते हैं तो उनकी तांत्रिकी ज्यादा चलती है। जैसे वैद्य कोई ज्यादा होशियार होता है उसकी वैद्यकी ज्यादा चलती है, डॉक्टर ज्यादा होशियार होता है तो दुकान पर भीड़ लगी रहती है। लाल किताब जो किताब है उससे भी तांत्रिक प्रक्रिया की हुई। हाँ, वैदिक लोग भी तांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हैं। और आके शरीर छोड़ती है, कोई आत्मा एडवांस में आने के बाद हेड अटैक हो जाता है उसका, है तो वो शांति संगठन रखना चाहिए। हार्ट अटैक नहीं होता है तो नहीं रखना चाहिए? शरीर छोड़ती है। हाँ, शरीर छोड़ती है तो क्यों नहीं रखना चाहिए? किसी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार वालों को शांति मिले। शरीर छोड़े हुए व्यक्ति की आत्मा, उसको अच्छा ठिकाना मिले तो अच्छी बात है, उसे हमारा नुकसान तो कुछ है नहीं। की एक माता है, उनकी शरीर छोड़ दिया है। केवल माता ने शरीर छोड़ा है? केवल माता ने शरीर छोड़ा है। ठीक है, जी की केवल माता थी ना, उनके परिवार वाले ज्ञान में तो चलते नहीं, एडवांस में नहीं, एडवांस में चलते नहीं, बेसिक में। तो जो नजदीकी ब्राह्मण हो उसका, उसकी जिम्मेवारी है कि अपने घर में उसके हित प्रोग्राम रख ले। जो एडवांस में चलता हो, माता है दूसरी माता है, बच्चे भी ज्ञान में था, पहले कुछ पास है ज्ञान में आया था, वो बच्ची करके आया था उस समय। एक लड़का उनका माउंट आबू में समर्पित है, और एक लड़का उनकी सोच में उन्होंने पट्टी की थी, लेकिन बाद में वो कुछ चल न पाए। अच्छा, उन्होंने पट्टी की है तो वहाँ रखा जाएगा। पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ पद पाने की इच्छा रखना, इसे लोभ कहते हैं क्या? क्यों? श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके हम ऊंचा पद पाएं, विश्व के मालिक बन जाएं,
ये लोभ नहीं है क्या? नहीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये देवांश से कनेक्टेड होते हैं। अगर देवांश से कनेक्टेड नहीं है, आत्मभांश से कनेक्टेड है, तो उसको भाव को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं कहेंगे। लिख लो परिभाषा और परिवार में है छोटा मोटा भूकंप आए थे तो उससे क्या मतलब क्या राज है? पहले पहले छोटे छोटे भूकंप लातूर में वहां आया था। हाँ हाँ ऐसे जमीन आती थी और चले गया था तो फिर वो बाकी के भगवान बाकी के क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ भूकंप वही जगह क्यों हुआ? बाकी जगह ऐसा क्या कारण है? सारी दुनिया में होगा आखिरी टाइम पर, कहीं पहले हो जाता है और कहीं बाद होता है। कोई कहा हमारी मौत पहले क्यों आ गई, बाद में क्यों नहीं आई? सबकी मौत तो ज्ञान में चलने वालों की अंत में होगी, हमारी मौत पहले क्यों हो गई? अरे तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हुआ तो हो गई। जैसे व्यक्ति का अपना हिसाब किताब होता है, ऐसे स्थान का भी अपना हिसाब किताब बन जाता है। जहां का राजा बहुत अत्याचारी होता है तो वहां जल्दी अकाल हो जाता है, अकाल मौत होने लगती है, स्थान का हिसाब बन जाता है। क्लास को मत हो या शैम्पू क्लास को मत हो जाना चाहिए। शाम का क्लास, शाम का जो क्लास होता है शैम्पू, उसको उतना मत नहीं दिया है उसमें मत को ज्यादा दिया है वो ऐसा शाम के क्लास को मैं तो ज्यादा दिया जाता है और शाम के क्लास को इतना महत्व क्यों नहीं देते? सूर्य उदय कहाँ होता है और सूर्य अस्त कहाँ होता है भारत के हिसाब से? भारत के हिसाब से पूरब में सूर्य उदय होता है, वो है पूर्वीय सभ्यता, जो सूर्य उदय को श्रेष्ठ मानते हैं। और दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के, अरब देश में जाकर के सूर्य अस्त होता है, तो वो नुमाए शाम मुसलमान लोग उसको ज्यादा मानते हैं। मुसलमानों की परंपराओं में और भारत की परंपराओं में बहुत अंतर है। शाम का क्लास है, शाम को क्लास करना चाहिए कि नहीं? करने में हर्जा क्या है? सारा दिन की हड़कंप से हट करके शाम को बैठ करके बुद्धि एकाग्र कर ली, बाबा की ज्ञान की वाणी सुनी और फिर सो गए, तो सारी रात जो अवस्था रहेगी वो अच्छी रहेगी या खराब रहेगी? अच्छी रहेगी। अरे प्रजापिता वाली आत्मा है या उसके जो भी सहयोगी हैं, जब सतयुग त्रेता द्वापर होता है तो भारत में राज करते हैं। जब द्वापर कलयुग आता है तो विदेशी धर्मों की राजाई में भी चले जाते हैं, लेकिन वहां की राजाई भी श्रेष्ठ प्राप्ति करते हैं या नीची प्राप्ति करते हैं? अगर खुदा खास्ता नीची प्राप्ति में चले भी गए, जैसे बाबर है, बाबर अपने आरंभिक जीवन में सिपाही था साधारण,
सिपाही बनना तो कोई ऊंचा पद नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ करके सम्राट बन के बैठ गया तो इसका आधार क्या हुआ? ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ ही तो आधार है। पुरुषार्थ ही जीवन इतना तीव्र हो कि तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर इसी जीवन में अपने प्रारब्ध को बदल दे। इसी जीवन में बैगर टू प्रिंस बन जाए। Oh,